नमस्कार दोस्तों, मैं ना विनीत, तो स्वागत है आप सभी का आकृति इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको एक डेमो करके दिखाएंगे पूरी रेस्टोरेंट कैसे पिज्जा एक रेस्टोरेंट चालू होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं पिज्जा रेस्टोरेंट को चालू होने में, और पूरा आपको एक फुल डेमो दिखाएंगे जिसमें आपको एक कस्टमर आते हुए कैसे ऑर्डर टेक करना है, ऑर्डर कैसे ले रहा है, पूरा एंड टू एंड वीडियो रहने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। यहाँ पे हमारे जो क्लाइंट है, गेस्ट आ रहे हैं ऑर्डर देने के लिए। विकास हमारे मैनेजर ऑर्डर लेंगे यहाँ पर। उन्होंने ऑर्डर ले लिया और उन्होंने मेरे को स्लिप दे दी। मैंने ऑर्डर पे देखा कि एक कोल्ड ड्रिंक है, जब तक सर कोल्ड ड्रिंक भी दे देंगे उनको। और ये जो स्लिप मेरे को उन्होंने दी है, उस स्लिप को मैं यहाँ पे जो मेरा क्यूओटी है यहाँ पे लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्यूओटी पे आराम से देख सकता हूँ अपना ऑर्डर। मैं आपको थोड़ी चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा पिज़्ज़ा के अंदर जो यूज़ होती है। अब अपना मेरे को बेस रेडी करना है पिज़्ज़ा का, तो मैं ये स्पाइरल मिक्सर है इसके अंदर अपना जो बेस है, डो है, वो रेडी करूँगा। रेडी होने के बाद ये पिज़्ज़ा की स्टार्टिंग होने से पहले की प्रोसेस है, तो वो भी है। अब यहाँ पे मेरा बेस को मैं यहाँ पे पेड़ा काटा अपना बना के पहले से रख लिया, और इसको अंदर मैं नीचे स्टोर कर दूँगा रेफ्रिजरेटर के अंदर, जहाँ पे मेरे पास स्टोरेज भी काफ़ी सारी आ जाएगी। और इसके अंदर मैं रेफ्रिजरेट कर दूँगा, और भी अदर्स जो फूड है मेरे को रखना है, वेजेस वगैरह रखने कट करके एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। अब आते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर दोबारा से। तो पिज़्ज़ा को यहाँ पे आप देखेंगे स्लैपिंग टेबल है, यहाँ पे मैं स्लैप करूँगा, और यहाँ पे स्लैप करने के बाद इसको मैं रैक कर दूँगा। अगर मेरे पास ऑर्डर मान लीजिए 8 बजे है, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा अपना रैक कर सकता हूँ। और ये वॉल माउंटेड है, आप देखेंगे इसके अंदर वॉल माउंटेड है। अभी ये मैंने वॉल माउंट नहीं कर रखा, तो इसको मैं वॉल माउंट कर सकता हूँ ऊपर। यहाँ पे बेसिक मेरे पास पूरा क्लियर स्पेस आ जाएगा जब मैं पिज़्ज़ा को स्लैप कर रहा हूँ। अब मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, मैंने केचप भी लगा ली, सब कुछ लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी टॉपिंग वगैरह लगाऊंगा, और मान लीजिए मेरी टॉपिंग गिर गई नीचे बाहर, इसके बाहर, तो ये सीधा यहीं पे स्क्रीन पे इधर नीचे कलेक्ट हो जाएगी, और इसके थ्रू मैं यहाँ पे वेस्ट कलेक्शन के थ्रू मैं यहाँ पे कलेक्ट करके सीधा इसके अंदर डाल दूंगा। अब मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, सब कुछ रेडी हो चुका है। अब मान लीजिए मेरे को फ्रोज़न कुछ आइटम होती है, जैसे चीज़ वगैरह होगी या अदर्स कोई चीज़ें होती है जो फ्रोज़न होती हैं, तो उसको हम इसके अंदर डीप फ्रीज के अंदर रख देंगे। ये 125 लीटर का डीप फ्रीज़र है, जो कि इनफ है वेज रेस्टोरेंट के लिए। अगर नॉन वेज है तो थोड़ा सा इससे बड़ा ले सकते हैं, 300 लीटर तक, 225 लीटर तक हम लोग जा सकते हैं। अब मेरा पिज़्ज़ा मान लीजिए अब रेडी हो चुका है। अब मैंने पूरा सब कुछ टॉपिंग वॉपिंग लगा दी, तो मैं विद द हेल्प ऑफ एसेसरीज इसको उठा लूँगा, जैसे ये काफ़ी यूज़ होती है एसेसरीज, तो इसके थ्रू डाल लूँगा, और इसको मैं सीधा यहाँ पे पिज़्ज़ा को अंदर डाल दूंगा। अब अंदर देखेंगे यहाँ पे जो है ये स्टोन लगा हुआ है, इटालियन स्टोन है, जिसके ऊपर पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा बेक होता है, क्रिस्पीनेस अच्छी आती है, फ्लफीनेस अच्छी आती है। और इसमें अंदर देखेंगे लाइट भी लगी हुई है। इस लाइट के थ्रू क्या होगा कि हम जो ये टफन ग्लास लगा हुआ है मिरर अंदर, आप ईजिली देख सकते हैं, क्लोज लुक दिखाएंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि मैं ईजिली अपना पिज़्ज़ा देख सकता हूँ बेक होते हुए। अब मेरे हाथ गंदे हो चुके हैं, खराब, बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने एक सिंक दे रखा है, और यहाँ पे हम अपने बर्तन भी धो सकते हैं, साथ में अपना हैंड भी वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आया, अपना हैंड वॉश किया, और मैंने अपना देखा कि मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना पिज़्ज़ा देख सकता हूँ। अगर पिज़्ज़ा मेरा बेक हो चुका है, तो विद द हेल्प ऑफ एसेसरीज, अलग अलग एसेसरीज आती है उठाने के लिए, तो मैं इसको उठाऊँगा और यहाँ पर पिज़्ज़ा को लेकर आऊँगा। यहाँ पर नीचे देखेंगे अंडर स्टोरेज दे रखी है, जो पैकिंग बॉक्स है, जो डे वन पे, एक दिन पे पहले दिन यूज़ होनी है, वो यहाँ पे हम रख सकते हैं, और बाकी हम इधर अपना स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा आप देखेंगे स्टोर हो रखा है, कितने स्टोरेज मिला हुआ है, इसके नीचे हम यहाँ पे अपना स्टोर कर सकते हैं पिज़्ज़ा बॉक्सेस या गार्लिक ब्रेड के बॉक्सेस। अब यहाँ से मैंने यहाँ पे अपना बॉक्स लिया, इसके अंदर जो मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो रखा है इसको कट किया अपना। कट करने के बाद मैं सीधा इसको इस बॉक्स में डाल दूंगा। ये पिज़्ज़ा बॉक्स तो नहीं है, मैंने अभी एक जुगाड़ किया है उसको, तो ये जुगाड़ ही बोलेंगे, इसको मैं सीधा अंदर डाल दूंगा। डालने के बाद सीधा मैं इसको रैप अप करूंगा। रैप अप करने के बाद सीधा मैंने विकास जी को ऑर्डर पकड़ाया, और ये जो मैंने क्यूओटी पे स्लिप लगाई थी वो दी, और विकास जी मैनेजर को मैंने पकड़ा दी। मैनेजर साहब अपना सीधा अपने क्लाइंट को देंगे, और यहाँ पे हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। क्लाइंट भी हैप्पी, आप भी हैप्पी। तो इक्विपमेंट आकृति से ही परचेज करें, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रॉपर डायमेंशन आपको मिलने वाली है इक्विपमेंट की। आप देखेंगे कितना अच्छा यूटिलाइज करा हुआ है स्पेस का, आप देखेंगे प्रॉपर एक मशीन को भी हमने नीचे दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा स्टोरेज यहाँ पे निकाल के दियो। आप ये देखिए कितने कम स्टोरेज के अंदर हमने एक पिज़्ज़ा को सेटअप करा हो, और ये भी जो सेटअप है काफ़ी अच्छा सेटअप है एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट चलाने के लिए, और इसमें कम मैन पावर चाहिए होती है। एक असेंबली लाइन के थ्रू स्टार्ट किया हुआ है, एक पूरी असेंबली लाइन बनी हुई है यहाँ पे। इवन दो अगर आपके लड़के भी हैं तो 2 लड़के ईजिली यहाँ पे चला सकते हैं, एक पिज़्ज़ा बना सकता है और एक बेक करने के लिए देख सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेचर कंट्रोलर सब कुछ दिया हुआ है इस ओवन के अंदर, और यहाँ पे हमने गैस ओवन यूज़ किया हुआ है,
उसकी जगह हम इलेक्ट्रिकल भी यूज कर सकते हैं, और भी पिज्जा ओवन आते हैं जैसे कि आपके रैक ओवन हो गए, कन्वेयर ओवन हो गए, या आपका डेक ओवन तो ये है ही है। उसके अलावा कुछ अलग से आपको ओवन चाहिए तो वो भी हम, जैसे कि आप इटालियन पिज्ज़ा बनाते तो स्टोन बेस आपका डूम टाइप के जो ओवन आते हैं वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और टाइमिंग आपको क्लियर है, टाइमिंग मैं हर बार बता चुका हूँ 11 से 6 है, तो वो आप नोट कर लीजिएगा, और नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आकृति इंडस्ट्रीज, गुड बाय।